नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद आईएएस में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। इससे टेट में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर को अ से अ तक के क्रम में लगाया गया है और व्यंजन को क से ज्ञ तक के क्रम में लगाया गया है। वर्णों को स्वनिम नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। वर्णमाला, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण हैं, 33 व्यंजन वर्ण, 4 संयुक्ताक्षर, 2 उच्छिप्त और 2 अयोगवा वर्ण हैं। और उच्चारण के आधार पर 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण हैं और 33 व्यंजन वर्ण हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो आइए स्वर देखते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है, जो अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ ए ऐ ओ औ अंग अ और री। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से अंग और अ को हटा दिया गया है। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अ है, छोटी ई है, छोटा उ है, री है। इनकी संख्या 4 होती है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और सेकेंड नंबर पे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, आ है, बड़ी है, बड़ा उ है, ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या 7 होती है, कुल मिलाकर 11। और कुछ स्वर जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ए ऐ ओ औ। तो ए जो है अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, और ऐ अ प्लस ए से मिलकर बना है, अ प्लस छोटा उ ओ बनता है, अ प्लस ओ औ बना है। और आगे हैं अयोगवा वर्ण। अयोगवा वर्ण इसमें 2 वर्ण आते हैं, अंग और अ। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है, तो इन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। और अ में विसर्ग लगा है, ये जो 2 बिंदी लगी है इन्हें विसर्ग कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर जो है वो 3 मात्रिक होते हैं, यानी इनका प्रयोग ज़्यादा संस्कृत में होता है, हिंदी में कम ही किया जाता है। जैसे को अपी है, तो जो बीच में एस जैसा बना हुआ है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, यानी वो बीच में छुपा होता है शब्दों के बीच में। आगे आइए देखते हैं स्वरों की मात्राएं। वैसे तो हमको पता है स्वरों की मात्राएं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आ की मात्रा ऐसे देते हैं, टी की जैसे होती है 1 खड़ी पाई, और छोटी की मात्रा एफ, बड़ी की मात्रा उल्टा एफ, छोटा उ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, बड़ा उ की मात्रा ऐसे। ये जो है नीचे का ट वाला भाग होता है, री की मात्रा, ए की मात्रा 1 चुंडी, ए की मात्रा 2 चुंडी, और ओ की मात्रा 1 पाई और 1 चुंडी, ओ की मात्रा 1 पाई और 2 चुंडी। तो ये स्वर हो गया, और व्यंजन का जो है आगे की वीडियो में आप व्यंजन देखेंगे।